हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो बात करें इंडियन रेलवे की तरफ से, देखिए 3-4 वैकेंसी अभी चल रही हैं और कुछ के तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ के एग्जाम्स आने वाले, जैसे RRB JEE के एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, NTPC के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आपके लिए ये नया कोर्स आज से शुरू हो रहा है। इसमें हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और देखिए ये जो वही क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियसली आपके ALP हो गया, ग्रुप डी हुआ, एग्जाम में आए हुए सारे प्रश्नों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और हम कोशिश करेंगे उसी प्रकार के, उसी टाइप के प्रश्न रहे जो आपके एग्जाम में बनने वाले हैं या फिर बनेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट वन है, पहला पार्ट है, ये सीरीज चलती रहेगी। आपसे चाहेंगे अगर जो आप चैनल पे पहली बार है तो पहला काम करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पुराने परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संग्रह, वही हम करने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आज से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो मेरी आपसे एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ अभी मैं चाहूँगा कि नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, मैं इस प्रकार से लाइक का बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक का बटन इस प्रकार से होता है, उसको क्लिक कर दे, ठीक है। कोई कुछ नहीं जाने वाला आपका, बस छोटे से ये मतलब बटन ही दबाना है, वो भी टच करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये चार्ट का है। क्वेश्चन है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री का निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। गुरुवार से रविवार यानी कि थर्सडे से संडे तक कुल कितनी साइकिलें बेची गई। अब आपके सामने एक चार्ट है ये वाला, ठीक है। इस चार्ट में देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस चार्ट की बात करें, इस चार्ट में यहाँ पे बिक्री है कितनी बेची गई, और उसके बाद यहाँ नीचे बात करेंगे, इसको थोड़ा ब्लू कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे, और यहाँ पे डेज के नाम है, ठीक है। पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर जो हम देखें तो अभी देखिए ये समझाने का तरीका है, अभी मैं समझा रहा हूँ, अगर जो आप समझ गए एक बार क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। सोमवार को यहाँ किस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ तक आया है चार्ट, 8 साइकिलें बेची गई, मतलब मंगलवार को 6 साइकिलें, बुधवार को 10 साइकिलें, बृहस्पतिवार को 12 साइकिलें, उसके बाद शुक्रवार को 10 साइकिलें, शनिवार को देखेंगे तो यहाँ पे 6 और 8 के बीच में है तो 7 साइकिल हो गया, और रविवार को देखेंगे तो 11 साइकिल हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गुरुवार से रविवार, तो गुरुवार से रविवार, गुरु मतलब क्या हो गया आपका, हो गया बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से थर्सडे से रविवार के बीच में कितनी साइकिलें बेची गई। तो यहाँ से अगर जो आप जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार को कितनी साइकिल हो गया, 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप शुक्रवार में आएंगे, शुक्रवार को कितने हो गया, 10 साइकिल हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे शनिवार में देखेंगे तो 6 और 8 के बीच में 7 साइकिल हो गया। उसके बाद आप आएंगे रविवार में देखेंगे 10 और 12 के बीच में है तो 11 साइकिल हो गया। अब इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या आंसर है, 12 10 22 हो गया, 22 7 29, 29 1 30 10 40, ये आपका आंसर आ गया 40। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसका आंसर 40 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैंने बता दिया, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया तो गुरुवार से रविवार, तो डायरेक्ट आप गुरुवार से रविवार जोड़ लेंगे तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, आपके पिता आपकी माता होते, ध्यान से पढ़िएगा, आपकी माता, इस प्रकार के क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस पहले आराम से पढ़िए उसके बाद लास्ट में देखिए आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है। कह रहा है, फिर से देखते हैं, इसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। आपके पिता आपकी माता होती, आपकी माता आपका भाई होता, आपका भाई आपकी बहन होती, और आपकी बहन आपके पिता होते, तो आप बहन को क्या कहते, तो आप बहन को क्या कहते, तो क्या पूछ रहा है, बहन। तो इसमें देखेंगे आपकी बहन आपके पिता होते, आपकी बहन आपके पिता होते कह रहा है, और इसमें पूछ रहा है बहन को क्या कहती, जब इसमें साफ साफ बोल रहा है बहन आपके पिता होते तो आप बहन को क्या कहती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा पिता, पिता यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, तो मान लीजिए ये राजीव है, राजीव ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, यहाँ एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, यह मेरी बहन। अब देखिए राजीव की बहन तो राजीव के कैटेगरी में आएगी, मान लीजिए बहन हो गई, यह मेरी बहन, लड़की अभी है, ध्यान रखिएगा। राजीव ने एक लड़की को इशारा करते हुए, मान लीजिए कहीं पर कोई लड़की है, ये लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा,
यह मेरी बहन, यह राजीव की बहन हो गई के भाई, भाई की बात करें तो राजीव के भाई तो यही हो गया, राजीव ही भाई हो गया, भाई के पिता, भाई के पिता की बात करें तो पिता एक ऊपर आ गए एक स्टेज, ठीक है, पिता की एकमात्र पुत्री है। तो राजीव ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा यह मेरी बहन के पिता, बहन के पिता सॉरी बहन के भाई, तो बहन तो ये हो गई, उसके भाई ये हो गया, भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है, कौन पुत्री है, वह लड़की, तो वह लड़की कौन हो गई, यही हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें, अब देखिए यह लड़की का संबंध और क्या पूछा है, उस लड़की का संबंध राजीव से क्या संबंध है, तो उस लड़की का संबंध राजीव से कैसे है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन भाई से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई से हो जाएगा, ठीक है, ये भाई बहन हो जाएगा, ठीक है, राजीव से लड़की का संबंध भाई बहन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए ये कुछ अक्षर दिए गए हैं इंग्लिश के, मतलब अक्षर जो है उलझे हुए हैं, तो इनको आपको देखना है इन अक्षरों से कौन सा शब्द बन सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे डबल सी है, आप पढ़ने से पता, यहाँ से क्रिकेट बनेगा, क्या अक्षर बनेगा, क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, क्या बना, क्रिकेट। अब इसमें पूछ रहा है जिसमें वह अंग्रेजी सही शब्द बन जाए, सही शब्द बन गया, फिर सुलझे हुए शब्द का पाँचवा अक्षर बताना है, अब ये शब्द सुलझ गया है, शब्द सही से बन गया है, इसमें पांचवा अक्षर आपको बताना है, इसमें पांचवा अक्षर आखिर क्या होगा, तो आप गिनिए सी आर आई सी के, तो ये पांचवा अक्षर क्या हो गया, के हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन है शुतुरमुर्ग कबूतर कौवा और गौरैया इसमें से सबसे भिन्न ढूंढना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कबूतर शुतुरमुर्ग जो है सबसे डिफरेंट है इन चारों में, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कुछ अंक दिए गए हैं, इन अंकों को घटते हुए क्रम में रखना है, उसके बाद बीच में कौन सी संख्या होगी, तीन इन अंकों को, ये जो अंक दिए गए इनको जो हम रखेंगे किसमें और वही क्रम में, तो पहले नंबर पर आएगा हमारा क्या आएगा 46 65, दूसरे पे आएगा हमारा 46 55, तीसरे पे क्या आएगा 45 65, चौथे पे आएगा 44 65, और उसके बाद हमारा लास्ट आएगा 44 56। अब इसमें हम पूछ रहा है क्वेश्चन कि बीच में कौन सी संख्या होगी, तो बीच में 45 65 आ रहा है ना, तो यही 45 65 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने काऊ दिया है, काऊ इज इक्वल टू 41, क्या दिया है, काऊ इज इक्वल टू 41, गोट इज इक्वल टू 43, काऊ इज इक्वल टू 41, गोट इज इक्वल टू 43, और डॉग इज इक्वल टू आपको बताना है, तो काऊ की बात करें तो सी ओ डब्ल्यू हो गया, इसका हमारा दिया 41, अगर जो हम सी का पोजीशन देखें अल्फ़ाबेट में तो 3 होता है, ओ का पोजीशन देखें अल्फ़ाबेट में 15 होता है, डब्ल्यू का पोजीशन देखें 23 होता है, ये इसको ऐड कर देंगे तो 41 हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से गोट का हम चेक कर लेते हैं, गोट का अगर जो हम चेक करें तो जी का पोजीशन 7 होता है और ओ का पोजीशन 15 होता है, ए का पोजीशन 1 होता है और आपका टी का पोजीशन 20 होता है, इनको ऐड करें 43 आता है। तो इसी प्रकार से हम तीसरा वाला कर देंगे डॉग का, क्या कर देंगे डॉग का कर देंगे, डी का पोजीशन चेक करेंगे 4 आएगा अल्फ़ाबेट में, ओ का पोजीशन चेक करेंगे 15 आएगा और जी का पोजीशन 7 आएगा, तो ये ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका बराबर दिया है, अमेरिका बराबर दिया है 173 4 6 5 1, ठीक है, और उसी क्रम में हमारा क्या दिया है इंडिया बराबर 6 8 9 6 1, आपको यहाँ पे क्या बताना है, कनाडा बराबर बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है, समीकरण एक समीकरण दो मान के हम हल कर सकते हैं, जिस प्रकार से देख रहे हैं इसमें हमने देखा ए बराबर एक दिया है यहाँ भी, ए बराबर एक दिया यहाँ भी, ए बराबर एक दिया यहाँ भी, ठीक है, और भी हम मिला लेते हैं, जैसे हम मिला लेते हैं यहाँ पे आई बराबर देखते हैं यहाँ पे दिया है 6, आई बराबर यहाँ पे 6, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आसानी से कर सकते हो, क्या है आपका सी ए एन ए डी ए, अब सी का क्या दिया है, सी हम देखेंगे यहाँ पे सी है, तो सी में यहाँ पे हमें मिल रहा है, हाँ सी यहाँ पे मिल रहा है, सी बराबर 5 दिया है, ठीक है, तो 5 हमारा देखेंगे पहला ऑप्शन ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है ए, ए बराबर 1 दिया है तो 1 कर लेते हैं, ठीक है, अब दिए नेक्स्ट दिया एन, एन बराबर हमारा हो जाएगा 8, तो 8 कर लिया,
तो 518 हमारा ऑप्शन नंबर टू में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दो आप डायरेक्ट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि अध्यापक बराबर अध्यापक समानुपातिक किताबें हो, या फिर कह सकते हैं जो संबंध अध्यापक का किताबों से है वह संबंध चिकित्सक से किससे होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो स्टेथोस्कोप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक का संबंध अगर जो किताबों से है तो डॉक्टर का संबंध किससे हो जाएगा, स्टेथोस्कोप से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वृत्ति परिधि क्या है ऑप्शन, क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है ठीक है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है, परिमाप से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, वर्ग का संबंध परिमाप से हो जाएगा ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत आरआरबी जे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आशा आपके ये वीडियो पसंद आएगा। देखिए अभी ये शुरुआत है ठीक है, आगे कोशिश करेंगे 15-15, 20-20 क्वेश्चन आपको एक एक वीडियो में लाने की। तो देखते रहिए वीडियो एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।